सो दिस टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम. तो नॉलेज बेस्ड की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए हमें क्या करना है, उस चीज पे हमें फोकस करना है. ठीक है, तो अब इसमें यूजर के पास अगर प्रायर एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो बढ़िया रहेगा सिस्टम एप्लीकेशंस की. और दूसरी बात है कि अगर वो एक्टिवली इन्वॉल्व है उस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए या उसके फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए, अगर वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में भी इन्वॉल्व है या सिस्टम की इवैल्यूएशन के लिए इन्वॉल्व है तो भी अच्छी बात है. तो जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है या फिर अपग्रेडेशन की अगर हम बात करते हैं मेनली, तो ये अपग्रेडेशन इस तरह से होनी चाहिए सो दैट इट डज नॉट इंटरप्ट द ऑन गोइंग एक्टिविटीज. ठीक है, ऑन गोइंग एक्टिविटीज जो है इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए. जैसे कि जैसे पेटीएम का एग्जाम्पल तुम्हें पता होगा कि जो पेटीएम वाले हैं जब वो अपना ऐप अपलोड करते हैं तो साथ में उस वक्त ये मैसेज भी फ्लोट करते हैं कि अवर अपग्रेडेशन विल नॉट अफेक्ट योर करंट या कनकरंट पेमेंट एक्टिविटीज. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो अपग्रेड कर रहे हैं और हमने कुछ ट्रांजेक्शन कर दी 1500 की 2000 की तो वो पैसे उड़ गए, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, हालांकि सबके लिए ये चीज अप्लीकेबल नहीं होती, सबका अलग अलग सिस्टम होता है. जैसे अगर हम डीटीएच की बात करें, टाटा स्काई की बात करें, तो अब टाटा स्काई में तो जब वो सिस्टम की अपग्रेडेशन करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम 15 मिनट तक सब चैनल वैनल एक बार स्टॉप हो जाते हैं. ठीक है, तो अलग अलग का अलग अलग सिस्टम है. अच्छा, उसके बाद ये चैंपियन का रोल को आइडेंटिफाई किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हु द चैंपियन इज. चैंपियन कैन बी डिफाइंड एज ए पर्सन और ए इन्फ्लुएंशियल पर्सन पर पावरफुल पर्सन हु बाय वर्च्यू ऑफ हिज कॉन्टेक्ट्स विद द मैनेजमेंट कैन रेज द फंड्स फॉर द न्यू प्रोजेक्ट्स, रिक्रूट द पर्सन for the new person, technical person, skilled person through the HR and other requirements. मतलब कि उस वो influential बंदा होना चाहिए और ताकि management को अगर वो कहता है तो उसके behalf पे नए skilled person, trained person या financial funding की कोई problem हो या कोई infrastructure raise करना है तो वो हो जाता है उससे. ठीक है, अब ease of understanding the knowledge management system. अब अगर हमारे पास user है, अब user को वो नया system जो है वो understand करना है तो वो उसको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. पहली बात तो कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए. अगर मल्टीलिंगुअल हो तो और अच्छी बात है, अगर बहुभाषी है, कई भाषाओं में अगर है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो और अगर उस कैटलॉग में या मैनुअल में जिससे भी वो समझने की कोशिश कर रहा है, अगर उसमें एग्जांपल्स हैं, ग्राफिक्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं ज्यादा, ठीक है, तो क्या है, टाइम भी रिड्यूस होता है और जल्दी समझ में भी आता है. ठीक है, अब इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं इसके, वो ये है कि यूजर्स लेवल ऑफ मोटिवेशन, जो उसका यूजर है उसका मोटिवेशन लेवल क्या है वो मैटर करता है. ठीक है, अगर घर में कोई नई चीज आती है, ठीक है, समझ लो कोई लैपटॉप आ रहा है या मोबाइल आ रहा है, अगर वो किसी एक्स पर्सन के लिए आ रहा है, ठीक है, तो समझ लो एक बच्चे के लिए आ रहा है, 20 साल का बेटा है उसके लिए आ रहा है, तो अगर वो चीज आएगी तो उसके सबसे ज्यादा मोटिवेशन रहेगा, उसको लगेगा कि हाँ ये फीचर कैसे काम कर रहा है, वो फीचर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको वो चीज मिलनी है. बाकी जो हेल्प करने के लिए है, मम्मी पापा या कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन हो, उनका थोड़ा मोटिवेशन कम रहेगा. ठीक है, इसी तरह से टेक्निकल बैकग्राउंड ऑफ द यूजर, इसमें क्या है कि जो भी कोई नया प्रोडक्ट अगर आ रहा है, ठीक है, तो अब उस प्रोडक्ट के बारे में उसको पहले से नॉलेज है कि नहीं, टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं. समझ लो कोई ऐप बेस्ड है, कोई प्रोडक्ट है, लेकिन अगर जिसके लिए आ रहा है यूजर के लिए, अब यूजर ने सिर्फ स्मार्टफोन पे कभी काम नहीं किया, बटन वाले फोन पे काम किया है, ठीक है, तो उसको प्रॉब्लम आएगी. लेवल ऑफ ट्रेनर्स कम्युनिकेशन स्किल्स, समझ लो कि जो चीज आ रही है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसके लिए उसमें कोई ऑडियो फाइल का लिंक दे दिया या यूट्यूब का लिंक दे दिया जिसके थ्रू क्या है कम्युनिकेशन भी हो पा रही है, ट्रेनर जो है वो सिखा पा रहा है, लेकिन हो सकता है वो अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहा हो या यूरोपियन एक्सेंट में बात कर रहा हो, तो या फिर अगर इंडिया की भी हम बात करें तो हो सकता है वो केरला का हो तो मलयालम वाला एक्सेंट उसका आएगा या बंगाली एक्सेंट आएगा उसको, तो इतनी वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. टाइम अवेलेबिलिटी एंड फंडिंग फॉर ट्रेनिंग, अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो यूजर्स के लिए या उनके लिए जो ट्रेनर्स के लिए कितना टाइम अवेलेबल है उनको उसको यूज करने से पहले या लॉन्च करने से पहले, कहीं नई जगह पे लॉन्च करने से पहले कितना टाइम अवेलेबल है. ठीक है, फंडिंग की प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर कोई ट्रेनर्स हैं उसको कोई नया स्किल सेट सिखाया जा रहा है किसी कंपनी के द्वारा, तो वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड स्कीम में है या कंपनी उसको स्पॉन्सर कर रही है, इस बात से बहुत फर्क पड़ता है मोटिवेशन का कि वो कैसे सीख रहा है. इसी तरह से लोकेशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो कई बार क्या होता है कंपनियां जानबूझ के आउट स्टेशन ट्रेनिंग लोकेशन डिसाइड करती है ताकि क्या है जो सीखने वाला है वो मोटिवेटेड फील करे. समझ लो कि उदयपुर में ट्रेनिंग रख दी या शिमला में रख दी और बोल दिया कि भाई ठीक है तुम्हारा 9 बजे से 2 बजे तक तो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होगा, उसके बाद आपको कंपनी लंच देगी और उसके बाद आप चाहो तो घूमने फिरने जा सकते हो. ठीक है, तो जो सीखने वाला बंदा है वो थोड़ा मोटिवेटेड फील करेगा. अच्छा, उसका ईज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, भाई ड्यूरेशन कितनी है, एट ए स्ट्रेच है या बीच बीच में
कुछ ब्रेक दिया जा रहा है, समझ लो 10-15 मिनट का टी ब्रेक है, उसके बाद समोसा ब्रेक है एंड सो ऑन, ठीक है। टाइमिंग क्या है ट्रेनिंग की, भाई रात को हो रही है तो कई लोग नॉक्टर्नल होते हैं, रात को ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, रात को ज्यादा समझ में आता है, और कई लोग जो हैं अच्छे बच्चे जो होते हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं, तो डिपेंड करता है ठीक है कि कब वो ट्रेनिंग इम्पार्ट हो रही है। एक्सेसिबिलिटी एंड एक्सप्लेनेटरी फैसिलिटीज, कि एक्सप्लेन करने के लिए कैसी फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स यूज कर रहे हैं या केवल ऑडियो कर रहे हैं या लेक्चर नोट्स दे रहे हैं ठीक है, या फिजिकली हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की सुविधा है ठीक है। ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड सिस्टम अपडेट, अब इसमें क्या है कि जो नया प्रोडक्ट है उसमें पुराने वाले प्रोडक्ट के कंपेरिजन में मेंटेनेंस ईजी है या बुरी है, अपग्रेड किया है कि नहीं सिस्टम को ठीक है। पे ऑफ टू दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को वो जो है नया प्रोडक्ट वो पे कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, हम बात करें तो अब ये भी दो तरह से हो रही है कि एक तो नॉलेज डेवलपर जो है ठीक है, नॉलेज डेवलपर जो नॉलेज की ट्रांसफर कर रहा है वर्किंग यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग यूनिट है उसको कर रहा है ठीक है। तो जैसे कि समझ लो हमारी यूनिवर्सिटी में ईआरपी सिस्टम है और समझ लो एक्सेंचर ने उसको सप्लाई किया है, तो 2013 में सप्लाई किया था, तो जब वो आए थे कोई भी कंपनी वाले आते हैं तो वो पहले के ईआरपी का सिस्टम सबको समझा देते हैं। सबको समझाने का मतलब है कि मेन तो वो जो सर्वर रूम में हमारे टेक्निकल पर्सन है ठीक है, वो उनको समझा देते हैं ठीक है, और जो फैकल्टी है जो यूजर है एज ए उनको भी पीपीटी से एक लेक्चर डेमो लेक्चर वो दे देते हैं ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अब 2013 में जो फैकल्टी थी, तो आज की तारीख में 2013 वाली फैकल्टी बहुत कम रह गई है, बहुत सारी फैकल्टी आती रहती है जाती रहती है ठीक है, तो रोटेशन बना रहता है, लेकिन जो सर्वर रूम वाले जो बंदे सीख लेते हैं पहले तो फिर वो कंपनी का इंटेग्रल पार्ट है एक तरह से, तो जब भी कोई नई फैकल्टी आ रही है तो उनको अगर सीखना है तो वो उनसे सीख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक इन हाउस फैसिलिटी है नॉलेज ट्रांसफर की, तो दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल। और दूसरा जो तरीका है वो अब्रप्ट तरीका है, यानी कि समझ लो कोई भी नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट खरीदा गया है और कंपनी ने क्या है एक बार आके उसको घर पे या कंपनी में इंस्टॉल कर दिया है ठीक है, उसको समझा दिया, लेकिन अब जब वो समझाएगा तो उसको प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि उसको क्या है बहुत फोकस होके समझना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक बार ये बंदा चला गया तो बाद में खुद ही माथापोड़ी करते रहो, दिक्कत रहेगी, वो चाहे जितना मर्जी फोन नंबर दे दे ईमेल दे दे लेकिन बाद में खुद माथा लगाना पड़ता है ठीक है। तो ये अब्रप्ट तरीका है। अच्छा, जो भी नया सिस्टम लॉन्च हो रहा है नॉलेज बेस्ड, तो अब उसके लिए क्या इंटीग्रेशन की अल्टरनेटिव्स तैयार किए गई है, क्या टेक्निकल इंटीग्रेशन की है। अब टेक्निकल इंटीग्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन का जो लैन इन्वायरमेंट है वो कैसा है ठीक है, कि भाई उसमें जो केबल लगी है वो ऑप्टिकल फेबर है, फाई केबल केबर है, या फास्ट डाटा ट्रांसफर के लिए कुछ और है, एग्जिस्टिंग मेन फ्रेम कैसा है, आईएस इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनेट सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, भाई 50 Mbps का स्पीड वाला सिस्टम लगा हुआ है या 100 Mbps का लगा हुआ है एंड सो ऑन ठीक है। नॉलेज शेयरिंग इंटीग्रेशन, अब इसमें भी अपग्रेडेशन ऑफ लैन मेन फ्रेम एंड लाइंस की बात हो रही है ठीक है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में तुमने पिछले साल थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई था कि हमारे पास RJ11 वाली केबल्स भी होती हैं, RJ45 वाली केबल्स भी होती हैं ठीक है। तो जो हमारा ब्रॉडबैंड सिस्टम होता है घरों में, अगर ब्रॉडबैंड सिस्टम लगा हुआ है आपके, तो एक मोटी तार वाला होता है, तो जो मोटी वाली तार होती है वो RJ45 वाली केबल होती है, तो उससे क्या है डाटा ट्रांसफर जो होती है वो हाई स्पीड पे होता है, बफरिंग नहीं होती। अगर हमारे कोई मूवी देखनी है लैपटॉप पे, अगर हम उसको कनेक्ट कर दें ठीक है, तो जितनी देखो स्क्रीन स्पेस छोटी होगी उतनी बफरिंग कम होगी ठीक है। समझ लो हमको प्राइम वीडियो में कोई मूवी देखनी है, तो अगर हम या तो स्मार्टफोन पे देखें तो स्क्रीन छोटी है तो कम बफरिंग होगी, मोबाइल डाटा से भी काम चल जाएगा। टैब पे देखो तो थोड़ा ज्यादा डाटा की जरूरत है, ज्यादा स्पीड की जरूरत है ठीक है, अगर लैपटॉप पे देखोगे तो और ज्यादा जरूरत है। इसी तरह से अगर हम देख, तो हमने इंटरनेट लगा दिया लैपटॉप पे, लेकिन लैपटॉप पे हमने HDMI की केबल को लेकर और समझ लो उसको टीवी की जो LED की HDMI केबल है उससे कनेक्ट कर दिया, मैं भी ऐसे करता हूँ कई बार। तो अब जो LED का टीवी है हमारे घर में 40 इंची का है, 40 इंच का है, तो अब 40 इंच का अगर टीवी है बड़ा स्क्रीन पे अगर हम देख रहे हैं वही काम कर रहे हैं ठीक है, या अगर हमारे को ऑनलाइन क्लास भी लेनी है ठीक है, तो भी हम HDMI केबल से, मैं अपने बेटे जब मेरा बेटा क्लास लेता है तो मैं उसको HDMI केबल से कनेक्ट कर देता हूँ लैपटॉप को टीवी से, और वो 40 इंच की बड़े पर्दे पे आराम से टीचर की शक्ल भी दिखती है, क्या कम्युनिकेट कर रहा है, बच्चों की शक्ल भी दिखती है ठीक है, तो वो करते हैं ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम नॉलेज शेयरिंग की इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, टेक्निकल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास लैपटॉप्स में भी, यूनिवर्सिटी में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास VGA केबल के पोर्ट्स थे, बाद में हमारे पास HDMI केबल के पोर्ट्स लगा दिए ठीक है। इसी तरह से RJ11 इज इंफीरियर एंड RJ45 इज सुपीरियर, सो वी हैव टू गो फॉर दी सुपीरियर ऑप्शन फॉर द बेस्ट डाटा ट्रांसफर एंड नॉलेज ट्रांसफर। डिसीजन मेकिंग भी की फ्लो ऑफ इंटीग्रेशन भी क्या है, जिस तरह से यूजर की थिंकिंग प्रोसेस है अगर उसी तरह से वो काम भी हो रहा है तो जो है तो ज्यादा अच्छे तरीके से वो बेनिफिशियल रहेगा। वर्क फ्लो इंजीनियरिंग, अब इसमें क्या है कि अगर हमने सिस्टम को अपग्रेड किया है, समझ लो पहले हम वाईफाई पे काम कर रहे थे और एक कंप्यूटर का हमारे पास कंपनी थी, उसमें 40 लोग काम कर रहे थे, तो वाईफाई पे कर रहे थे तो वाईफाई पे कम स्पीड आ रही थी, लेकिन अगर अब हम अपने आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं
या तो हम इस तरह का कोई सिस्टम रखें कि इट्स ओके, स्पीड सही आ रही तो ठीक है, नहीं तो हमारे को रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, तो वो हमारे पास इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग करने की उसमें जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है मेंटेनेंस का। ठीक है, तो अब इसमें मेंटेनेंस में अपने को क्या ध्यान देना है कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट होनी चाहिए, उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट आउट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या है कि सिस्टम शुड अलाउ द फीचर्स, शुड इंक्लूड द फीचर्स टू अलाउ चेंजेस एज नीडेड। ठीक है, तो चेंजेस करने के लिए उसमें सुविधा होनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी वाली बात इसमें आ रही है, जैसे ईआरपी से हम डाउनलोड कर रहे हैं, अब वो डाउनलोड करते हैं तो वो डॉट सीएसवी फाइल जो है डाउनलोड करता है हमारी यूनिवर्सिटी में, जो अगर हम रॉ फाइल जब उसको डाउनलोड करते हैं तो वो सीएसवी फाइल होती है। ठीक है, लेकिन अब जब हम उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है, एमएस ऑफिस से है, अब उसकी एमएस ऑफिस से कंपैटिबिलिटी है, तो इसलिए हम उस फाइल को एक्सेल फाइल में खोल लेते हैं और हम उस पर काम करके एडिटिंग करके उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, सिस्टम इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग दी कंफ्लिक्टिंग एंड रिडंडेंट एरर्स। ठीक है, एरर्स को आइडेंटिफाई करने की वो होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम जो है यूजर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, और एक आध बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, जो कि प्रॉब्लम्स हो उसको शेड्यूल टाइम पे और इफेक्टिव तरीके से मीट आउट कर सके। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स आते हैं कि क्या इसमें होते हैं, तो इसमें स्ट्रांग लीडरशिप की बात आती है और मैनेजमेंट के एडिक्वेट फंडिंग्स की बात आती है कि मैनेजमेंट जो है एडिक्वेट अगर फंडिंग्स देता है, टेक्निकल पर्सन अवेलेबल कराता है, चलो चैंपियन के रोल को अच्छी तरह से बखूबी निभा रहा है, ठीक है, तो सक्सेस हाथ लगती है। ठीक है, उसके बाद बात है यूजर की पार्टिसिपेशन क्या है प्रोसेस में, यूजर कितना इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी मायने रखता है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स मतलब क्या है कि समझ लो कंपनी है, अब कंपनी ने के मालिक ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका कुछ बजट होगा, समझ लो उसने बोल दिया कि भाई मैं इसमें 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकता हूँ। ठीक है, और बाद में उसने बोल दिया अपने डिपार्टमेंट हेड्स को कि समझ लो एक R&D वाले बैठ गए, उसमें ट्रेनिंग वाले बैठ गए और मार्केटिंग वाले बैठ गए कि भैया मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा, तुम आपस में डिसाइड कर लो कि किस डिपार्टमेंट को कितने की पैसों की जरूरत है। तो अब जब हम ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, पॉलिटिक्स जनरली हमारा क्या है, गलत इंटरप्रिटेशन हमारी होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन की बात हो रही है। तो R&D वाला ये सोचेगा कि भी जितना ज्यादा फंड्स मुझे मिलेंगे मैं उतना अच्छा प्रोडक्ट जो है तैयार कर पाऊंगा, उसमें वॉइस की क्वालिटी भी अच्छी होगी, वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होगी, डाटा ट्रांसफर भी ईजी होगा, तो यूजर को बेनिफिट मिलेगा। GD होगी तो वो ये बहस कर सकता है भाई R&D वालों तुमने तो एक बार जो कर दिया सो कर दिया, ट्रेनिंग वालों ने भी जो एक बार करना था कर दिया, लेकिन बाद में तो क्या है मुझे वो प्रोडक्ट बेचना है, अब मुझे अगर वो प्रोडक्ट बेचना है तो मैं जितनी अच्छी वो करूंगा मार्केटिंग करूंगा, प्रिंट मीडिया करूंगा तो थोड़ा कम इफेक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे करेंगे, इंटरनेट पे करेंगे, किसी सेलिब्रिटी को कॉल करेंगे, समझ लो करीना कपूर को बोल दिया कि तुम ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक हेल्थी कंपटीशन वाली बात हम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, हेल्पफुल है कि नहीं, एक दूसरे को नॉलेज शेयरिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट अगर होती है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिप्लेसमेंट की बात होती है, जैसे मैंने तुम्हें बताया VGA HDMI वाला, या अगर केबल्स को कनेक्ट को चेंज करना है, या उसकी लेंथ को चेंज करना है, ठीक है, या अडेप्टर की पोजिशन को चेंज करना है, सिग्नल कम आ रहे हैं तो अडेप्टर के लिए हमेशा यही रहता है कि आप हाइट पे उसको लगाइए, हाइट पे लगाओगे तो सिग्नल्स जो है हर जगह आएंगे, घरों में भी अगर समझो 2 BHK या 3 BHK है तो अडेप्टर को अगर हाइट पे लगाएंगे तो स्पीड हर घर के कोने में अच्छी जाएगी, और अगर नीचे रख देंगे हम उसको तो उस वाले कमरे में तो सही स्पीड आएगी बाकियों में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीजें मैटर करती हैं। यूजर रेडीनेस, यूज भाई अगर जो इम्प्लॉयर है उसने सारा हार्डवेयर लगा दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, यूजर खुद कितना एक्साइटेड है, खुद कितना रेडी है उस सिस्टम को यूज करने के लिए, वो भी मैटर करता है। जैसे कि समझ लो भाई PPT उसने बनाई है कि नहीं बनाई, मैटर उसने तैयार किया कि नहीं, PDF तैयार किया कि नहीं, वीडियो लेक्चर किया कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अगर उसने वीडियो लेक्चर बनाया होगा तो उसको डिस्प्ले करवाएगा, PPT कर अगर बना रखी होगी तो उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आ जाती हैं। और इसमें फैक्टर्स क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मालिक ये सोचेगा कि हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया है इसका हमारे को रिटर्न क्या मिल रहा है, हमने फीचर्स ऐड किए हैं तो उस हिसाब से हमारे को आउटपुट क्या मिल रहा है, हमारे क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, ये जो पुराने क्लाइंट्स हैं वो हमारे रिटेन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन की मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चैंपियन का रोल मैंने बता दिया है, यूजर की ट्रेनिंग वाला यहाँ पे थोड़ा रिपीट हुआ है। उसके बाद प्रिपेयरिंग फॉर सिस्टम ट्रेनिंग, इसमें हमारे पास यूजर को एजुकेट करना जरूरी है कि किस तरह से हम उसको एजुकेट करें फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें जो है नॉलेज मैनेजमेंट का जो सिस्टम बनता है डेट शुड एग्री विद द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है उसको वो फुलफिल करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफिल करना चाहिए, फिजिबल है कि नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं कि नहीं, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी एनालाइज्ड फ्रॉम द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब
जो हमारा बन गया है, लेकिन फिर भी क्या है बहुत सारे लोग उसका विरोध करते हैं, ठीक है, कि नहीं भाई ये सिस्टम सही नहीं है, ये नहीं है। तो कौन से ऐसे लोग होते हैं ये हमको आइडेंटिफाई करने जरूरी है। तो जो रजिस्ट करने वाले एक नॉलेज होल्डर्स होते हैं, अगर उनकी कोई ऐसा बंदा है जिसने पुरानी टेक्नोलॉजी पे उसकी अच्छी पकड़ है, ठीक है, तो वो ये नहीं चाहता कि भाई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी तो फिर उसमें मास्टरी होने में टाइम लगेगा। हो सकता है वो बंदा पुरानी टेक्नोलॉजी में पहले से मास्टर है, उसकी एज समझ लो 40-45 साल हो गई है, उसने 10-15 साल में उसको मास्टर किया, लेकिन कोई नया रिक्रूट होके आएगा 24-25 साल वाला, अगर उसने 2 साल में ही नई टेक्नोलॉजी को कैप्चर कर लिया, अच्छी तरह से सीख लिया, तो वो जो पुराना बंदा है वही विल फील, उसको थोड़ी हीन भावना से आएगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इंप्लॉइज जो होते हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं, कि कई होते हैं जो बरसों से काम कर रहे होते हैं एक ही टेक्नोलॉजी पे, तो उनको सडन चेंज करने के लिए कहा जाता है, तो फिर उनको लगता है कि भाई अब मैं हम तो रिटायरमेंट के करीब आ गए हैं, अब हम इस उम्र में क्या नया सीखेंगे, अब हमारी समझने की शक्ति थोड़ी कम हो गई है, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस भी देते हैं और कुछ बहुत सारी बातें उसमें से जेन्यून भी होती हैं, ठीक है। ट्रबल मेकर्स, अब इसमें क्या है कि जैसी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कई लोग क्या है उसमें कमियां निकालने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो नया सिस्टम लॉन्च ना हो, नैरो माइंडेड सुपरस्टार्स। अब ये क्या है, कई लोग क्या है जबरदस्ती कमियां निकाल के हीरो बनने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने में सहयोग करने के बजाय वो क्या करते हैं उसमें कमियां निकाल के अपने आप को सुपीरियर साबित करना चाहते हैं। तो कंपनियों के लिए प्रॉब्लम होती है कि ऐसे लोगों को पहचाने कैसे, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है, क्या क्या उसमें वो रिएक्शन शो करते हैं। तो प्रोजेक्शन, एक तो क्या है ऐसे लोग नए प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अवॉइडेंस, अगर कोई समझ लो कि अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, समझ लो कोई कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके मैनुअल्स किया, उसके टेस्ट सीरीज रखी, या उसके लिए कोई डेमो रखा, पीपीटी रखी, तो जो लोग वो नहीं चाहते उसमें वो छुट्टी मार लेते हैं, लेट आते हैं, ठीक है। और एग्रेशन, एग्रेशन भी इसका फीचर है कि ऐसे लोग जो नहीं चाहते नई चीज आए तो वो फिर क्या है थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं कि ठीक है भैया तेरे को जो करना है कर ले, मैं तो नहीं काम करूंगा नई टेक्नोलॉजी, मैं तो पुराने पे ही करूंगा, मैं तो उसी से खुशी हूँ, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो बेशक मुझे नौकरी से निकाल दो। रोल नेगोशिएशन, अब रोल नेगोशिएशन में भी ये है कि कई बार जो है जो बंदा पुराना वो कर रहा है तो उसको लगता है कि मैं पुराने वाली उसमें पोजीशन में तो मैनेजर था, अब पता नहीं ये मुझे क्या बना देंगे, एग्जीक्यूटिव बना देंगे, तो फिर मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत होती है कंपनी को कि नहीं भाई जो तुम्हारी पोस्ट थी वो वैसी बरकरार रहेगी, तुम्हारी सैलरी में भी कोई रिडक्शन नहीं होगा, वैल्यू फॉर मनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ऐसा तो नहीं है कि भाई उनको दे आर फीलिंग चीटेड अबाउट दी न्यू प्रोडक्ट, वो पहले से वाले से ज्यादा खुश हो, ऐसा तो नहीं है। सिक्योरिटी इश्यूज, अब सिक्योरिटी इश्यूज में क्या है कि जो सिस्टम है, जो नया प्रोडक्ट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है या प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन है या फेस वैलिडेशन से है, लाइसेंस की उसके टर्म्स क्या है, मंथली है या एनुअल है। भाई जैसे अब ये जूम वाला हमारा सॉफ्टवेयर है, अब अगर इसका लाइसेंस है तो ये मंथली में भी मिलता है, एनुअल में भी मिलता है। तो जैसे अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो सोचती है कि भाई 2 महीने की तो गर्मी की छुट्टी होनी होनी, तो साल वाला लाइसेंस क्यों लें, हम 10 महीने वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और वो जो सिस्टम है नया सिस्टम है वो रोबस्ट होना चाहिए, वायरस अटैक उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज, अब थिंकिंग और लर्निंग ह्यूमंस में कैसे होती है, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से भी हमारे को पता चल जाता है, बाकी ये हमने टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं यानी कि सीइंग, स्मेलिंग, टचिंग, हियरिंग वगैरह से जो ह्यूमन बींग सीखते हैं, और उनकी जो लर्निंग है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू होती है, एक्सपीरियंस के थ्रू होती है और डिस्कवरी के थ्रू होती है, ठीक है। अब नॉलेज सोर्सेस एंड नॉलेज कैप्चरिंग टेक्निक्स, ठीक है, अब इसमें नॉलेज को कैप्चर कैसे किया जाए, तो उसके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं। पहला है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, इसी को एक्शन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपर्ट होता है, ठीक है, एक्सपर्ट उसके बारे में बताता है चीजों के बारे में, और बाकी लोग जो हैं जो उससे गेन करना चाह रहे हैं, नॉलेज डेवलपर्स हैं या यूजर्स हैं उसके, तो वो उसकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि भाई जब भी वो एक्सपर्ट कुछ बोल रहा है तो कोई रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, अगर उनको कोई चीज गलत भी लग रही है तो भी बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल सुनना होता है, समझना होता है, ऑब्जर्व करना होता है और मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि ऐसा एक्सपर्ट जो जिसने उस पर काम किया हुआ है वो आपको अगर कुछ बता रहा है तो आप, आपके लिए एक तरह से लाइव एक्सपीरियंस है, तो आप उससे बहुत गेन करते हो, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एरिया क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जो इस चीज से कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि भाई उनको कोई, बहुत सारे लोग उनको ऑब्जर्व करें, समझें, ठीक है, देखें, ऐसे घूर रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से नहीं समझा पाते, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है, जिन्होंने क्राउड को फेस नहीं किया हो ऐसा समझाने के लिए, तो दे फील समटाइम्स अनकंफर्टेबल, सो बिकॉज ऑफ दैट दे ऑल्सो मे स्किप सम ऑफ द थिंग्स विच मे बी नेसेसरी, ठीक है। तो कुछ चीजें वो जो है वो कर सकते हैं, तो उसकी तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना मिलने की संभावना भी रहती है। उसके बाद हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग
आ जाता है, तो इट कैन बी डिफाइंड एज ए माइल्ड जीडी। ठीक है, अब जीडी में तो जैसे एनडीए वगैरह के एग्जाम्स वगैरह में जीडी वगैरह होती है, तो उसमें क्या है काफी एग्रेसिव होती है। तो इसमें क्या है, हमारे को आइडियाज जनरेट करने होते हैं क्रिएटिव सोल्यूशन के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हमारे को दी जाती है उसके लिए। लेकिन इसमें क्या, हमारे पास मल्टीपल एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस उठ के आते हैं किसी भी आइडिया के लिए कि भाई इससे हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, वो जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तरह की बातें आती हैं। ठीक है, तो उस सेशन के बाद वो किसी एक कंसेंसस पे आ जाते हैं, और अगर वो नहीं आ पाते, कन्वर्ज नहीं हो पाते किसी भी एक आइडिया में, तो अब वोटिंग वगैरह करके उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो हमारे पास क्या है कि इसमें भी मल्टीपल एक्सपर्ट्स होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि मल्टीपल लोकेशंस पे हो सकते हैं। समझ लो कि एक एक्सपर्ट हमारा असम में बैठा है, दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा जेएनके में, एक राजस्थान में, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या, सब बंदों के पास एक पीसी होगा। ठीक है, और उनको पहले से एजेंडा पता होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है वो पता होगा, प्री सेशन प्लान उनके पास होगा। ठीक है, तो उनको क्या क्या करना है वो उनको पहले से पता होगा। ठीक है, तो सबको क्या है अपनी आइडियाज देने हैं, जनरेट करने हैं, तो अपने ओपिनियन उनको पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू देने हैं। अब इसमें फायदा क्या था, जैसे जीडी हमने बात करी पिछले वाले केस में, तो जीडी वाले में तो क्या है, हमारे को अपनी टर्न की वेट करनी पड़ती है, नहीं तो एक बंदा कुछ बोल रहा है, दूसरा उसके ऊपर चिल्लाने लग गया, ठीक है, तो अपनी बारी नहीं आ रही, हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। दूसरी बात क्या है कि एक बंदा दूसरे बंदे से जो जो भी यहाँ पे व्यूज करता है, वो सबको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे, बड़े स्क्रीन पे, लार्ज स्क्रीन पे नजर आते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बंदे का ओपिनियन होता है वो उसमें उसका नाम डिस्प्ले नहीं होता। समझ लो 10 लोग अगर हैं तो गेस्ट 1, गेस्ट 2, गेस्ट 3, गेस्ट 10, इस तरह से होगा। तो उसमें क्या कि गेस्ट 10 हैज सजेस्टेड दिस, गेस्ट 2 हैज सजेस्टेड दिस, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो इंट्रोवर्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कम बोलने वाले होते हैं, वो अच्छी तरह से लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं लेकिन बाकी लोग उनकी क्या है, थोड़ा हंसी ठट्ठा करते हैं, थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। अब इसमें क्या है, ना तो बंदे का नाम पता चल रहा है, ठीक है, और ना ये पता चल रहा है कि कहाँ से वो बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो गुंजाइश भी इसमें खत्म हो जाती है। अच्छा, अब और क्या है इसमें, अब जो भी हमारे को एजेंडा दिया जाता है, तो इसमें एक्सपर्ट क्या है, उसमें कन्वर्जेंस होते हैं, एक सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, उनकी ज्वाइंट ओनरशिप होती है। ठीक है, मतलब कि लास्ट में जब कंक्लूड होगा तो ये बोला जाएगा कि इस टीम ने ये फैसला लिया। ठीक है, भी कर सकते हैं, हमको सिर्फ आइडिया नजर आ रहा है। तो सेंसिटिव इश्यूज कौन से होते हैं, जैसे समझ लो गे मैरिजेस है। ठीक है, अब गे मैरिजेस जो है बहुत सेंसिटिव इशू है, जैसे उसकी एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, कुछ लोग कहते हैं भाई सही था कॉन्सेप्ट, कुछ कहते हैं कि सही नहीं था। ठीक है, इसी तरह से सेक्स एजुकेशन। अब सेक्स एजुकेशन भी क्या इंडिया में एटलीस्ट जो है इतना ओपन नहीं है, तो ये भी एक सेंसिटिव इशू है। ठीक है, और हमारे सेंसिटिव इशूज हो सकते हैं, समझ लो हार्मोनल चेंजेस इन मेल ड्यूरिंग यूथ, हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल्स ड्यूरिंग यूथ। ठीक है, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिसपे क्या है, लोग 1-to-1 तो फिर भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन टोटैलिटी में डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन वगैरह नहीं करते। तो ऐसे मुद्दों पे आम राय स्थापित करने के लिए भी ये चीज जो है बहुत कारगर सिद्ध होती है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है,